शिक्षा अधिकारियों को बड़े हादसे का इंतजार। ब्लॉक मार्ग क्षेत्र के गांव तुलागढ़ी में शिक्षा विभाग के अधिकारी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार प्राथमिक विद्यालय तुलागढ़ी की बनी खंडल इमारत में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को भय रहता है कि किसी दिन इमारत गिर ना जाए। स्वच्छता की ओर से देखा जाए तो गंदगी के ढेर लगे दिखाई दिए। जब प्रधानाचार्य से बात की गई तो उन्होंने प्रधान के ऊपर पार डाल दी। आपके यहाँ जो कमियां हैं, इस जो स्कूल है इसमें कमियां हैं, उसके बारे में क्या कहना कहोगे आप? नहीं, कुछ हमारी जो कमियां हैं वो तो पूरी है। बार बार जो प्रधान के स्तर से होंगी, सरकारी स्तर से होंगी। नहीं, जो यहाँ गंदगियां हैं और जो ये अभी हमने कमरा रूम देखा है उसमें गंदगियां हैं, और स्कूल में जो पंखे भी नहीं हैं, पंखे लटके हुए हैं, लाइट नहीं आ रही है। पंखे एक ही रूम में है ना, इसमें दोनों है, पहले में ना। कितने छात्र हैं सर आपके यहाँ? 119। और आप अध्यापकों की कितने की ड्यूटी है यहाँ पर? ग्रामीणों की बात पर अगर गौर फरमाएं और स्कूल के वास्तविक हालत पर नजर डालें, तो ये निश्चित रूप से केंद्र एवं प्रदेश सरकार के मंसूबों को पलीता लगना प्रतीत होता है। क्या कारण है जो खामियां होने का कारण? अरे कमी का सब मास्टर की कमी है, हेडमास्टर की। जी, हेडमास्टर बच्चों से नहीं सही बोलता है, ना किसी बच्चों को पढ़ाता है, और बच्चों को बाहर और निकाले कर देता है गेट से। किन बच्चों को? अपने तुम्हारे बच्चे? हाँ, बच्चे मैंने भेजे यहाँ पे, मेरे बच्चों को बाहर कर देगा। जी, और भी बच्चे? और एक दिन इसमें झगड़ा भी हो गया है मास्टर को, मैं गवाह भी दिला दूंगा। तो मैं मास्टर ने उसने बचाया था, मैं इससे बहुत कड़ाई की थी। जी, यहाँ जो हालत है, जो स्कूल की है, स्कूल की हालत है, सब मास्टर ने बिगाड़ रखी है। जो कुछ है ऐसे यहाँ अपनी नेतागिरी करता, अपनी ठमराल दिखाता है, यहाँ किसी को समझता ही नहीं है। और ये कमेटी वाले उनको पैसे दे देता है, दलाली करता है, और यहाँ पे जो टीन वीन वगैरह पुरानी जो थी वो सब इसी ने देखा है।